वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप फुल मार्क्स किस तरह से स्कोर कर सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि मैंने साल भर नहीं पढ़ा, बहुत कोई कहेंगे कि मैंने फुल ईयर पढ़ा है। देखिए, अभी आपका एक लंबा गैपिंग मिला है ICSE केमिस्ट्री में, आप इसको यूटिलाइज़ करो, आप इसमें रिलैक्स मत करो, आप इसमें डे वन से लग जाओ अपने काम पे, ठीक है। मैं आपको काफ़ी वीडियो का भी लिंक दूंगा, जो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और भी बहुत चीज़ें मैं इसके बारे में बात करूंगा। एंड तक देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। सबसे पहले आप एक चीज़ को समझो, ये मेरे सामने जो है, ये मेरे सामने ICSE केमिस्ट्री का सिलेबस है। क्या बोला गया है, सेक्शन वन इज कंपल्सरी, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसके अंदर फिल द ब्लैंक्स है, MCQ है, वन वर्ड क्वेश्चन है, गिव द फुल इक्वेशंस है, ये सब है, ठीक है। सेक्शन टू में टोटल 6 क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें से मुझे 4 क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है, 10 मार्क्स होता है। यहाँ 40, यहाँ 40, 6 में से कितना करना है, 4 करना है। ये हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चैप्टर फॉर्मेट है, जो हम लोग सभी को मालूम है पेपर फॉर्मेट के बारे में। अब हम लोग आते हैं आगे, ठीक है, कि क्या क्या चैप्टर यहाँ पर कंसिस्ट करता है। सबसे पहले हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जस्ट मैं सिलेबस वाइज आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे, देखो स्कूल में टीचर्स बहुत पढ़ाते हैं, 10 ईयर्स में भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमेशा अपडेट होता रहता है सिलेबस। आप वेबसाइट में भी CISE का देख सकते हो, हमेशा 19 का सिलेबस दिया है, 20 का दिया है, 21 का दिया है, ईयर का 2018 का भी दिया हुआ है। तो सिलेबस में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। तो बहुत सा ऐसा चीज़ है जो 10 ईयर्स में आया है मगर अब सिलेबस में नहीं है, वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप देखो पीरियोडिक टेबल में क्या क्या सिलेबस में है। एटमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो क्वेश्चन आएगा इसी के ऊपर आएगा। अगर आपको एटमिक साइज मालूम है तो आप मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी का निकाल सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए, किसी भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे लेस देन या ग्रेटर देन कौन इंक्रीज साइज है, किसका इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इस चीज के ऊपर है। इसके अलावा अगर आपके बुक में कुछ भी और दिया है तो वो सिलेबस में नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, मैं एक बुक के बारे में आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखो आपके बुक में डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिया है। स्कूल में भी टीचर क्या करते हैं, ये पूरा पढ़ा देते हैं कि लोग नॉलेज गेन कर लें, मगर अभी जब हम लास्ट मोमेंट में पढ़ लें तो ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो सिलेबस में है उसी के ऊपर ध्यान देना है। याद रखो ICSE स्ट्रिक्टली सिलेबस फॉलो करके आपका पेपर बनाते हैं, वो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं। वो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके बोर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू पीरियड 3, मतलब पीरियड 1, 2, 3, उसके बाहर और 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन नहीं आएगा, पीरियड 3 तक आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बियॉन्ड आर्गन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन एलिमेंट बियॉन्ड पीरियड 3 आर्गन। उसके बाद पीरियोडिसिटी, अदर एक्सप्लेन। अब क्या दिया है, जो भी अगर मान लो कभी आपको एटमिक साइज पूछता है कि क्यों टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, क्यों लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, तो उसका आंसर किसके बेसिस पे देना है, न्यूक्लियर चार्जेस एंड शेल के बेसिस पे। मगर यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर मार्क किया है स्पेशल रेफरेंस टू एल्केली मेटल एंड हैलोजन। एल्केली मेटल मतलब ग्रुप 1 है, हैलोजन मतलब ग्रुप 17। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो एल्केली मेटल और हैलोजन का कंपैरिजन पे मिलेगा, ठीक है। एकदम सिलेबस, सबसे पहले अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है, आप सिलेबस बुक निकालो। अगर आपने साल भर पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अभी नहीं भी पढ़ा है तो अभी भी आकर अगर इसको पढ़ना चाहो तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग में देखो, केमिकल बॉन्डिंग में एकदम क्लियरली आपको बोल दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड में NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये 3 के अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आपके बुक में KCl दिया हुआ है या कैल्शियम क्लोराइड दिया है, अच्छी बात है, नॉलेज के लिए आप गेन कर सकते हो, मगर लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए ये 3 का सिर्फ प्रैक्टिस करो और किसी का भी नहीं, ठीक है। देखो स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। अगर आप वो पूरा वीडियो कर लोगे तो आपको उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा सिलेबस ओरिएंटेड बनाया हुआ है। मैं लिंक उस वीडियो का यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्लस कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में देखो, कोवेलेंट बॉन्ड में किसके बारे में दिया है, ड्यूप्लेट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अगर आप सही से देखोगे तो मुझे किसके बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन, इसके बाहर किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं करना है। पोलर कोवेलेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर है, मैंने वीडियो भी इस पर बनाया है कैसे करके आप है। अब वीडियो देखो, अभी भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग का फुल वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। एग्जाम्पल किसका चाहिए, पोलर में HCl एंड वाटर। बहुत बार पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर, पोलर का क्या मतलब है, छोड़ दो। याद रखो अभी HCl और वाटर छोड़ के पोलरिटी और किसी में नहीं है, बस इस दो को दिमाग में रखना है, प्लस स्ट्रक्चर जो लुईस डॉट है वो याद रखना है।
उसका भी कैरेक्टरिस्टिक है। कंपैरिजन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन आता है, मैंने वीडियो में सभी एक्सप्लेन किया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ S3O+OH- NH4+, मतलब हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइल आयन एंड अमोनियम आयन, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भी कुछ अगर दिया है वो सिलेबस में नहीं है, प्लीज़ सिलेबस चेक करके लास्ट मोमेंट में पढ़ो, बहुत हेल्प करेगी आपको फुल मार्क्स लाने में। केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट अमंग ऑल साइंस सब्जेक्ट। आप चाहो अगर थोड़ा सा अगर आप इसमें सिलेबस ओरिएंटेड देख के पढ़ते हो तो बहुत हेल्प होगा, फुल मार्क्स लाना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि ICSE में आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप है। अगर आप पेपर चैप्टर को दो बार रीड करके रखे हो तो वो 40 मार्क्स आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। बाकी का 40 मार्क्स के लिए थोड़ा डिटेलिंग समझना होगा, 10 ईयर्स आपको करना होगा जो सिलेबस में है। ठीक है, 10 ईयर्स मत छोड़ो, 10 ईयर्स को ज़रूर करो। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में देखोगे एग्जाम्पल बता रहा है आयनाइजेशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है, एसिड कैसे फॉर्म करता है, इसका लिटमस टेस्ट क्या है। सॉल्ट इज फॉर्म बाई पार्शियल एंड कम्प्लीट रिप्लेसमेंट, जिसको एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। पीएच का यूनिवर्सल इंडिकेटर को थोड़ा देख लो अच्छे से, यूनिवर्सल इंडिकेटर पर थोड़ा सा आप वर्क करो, यूनिवर्सल इंडिकेटर किस तरह से आपका काम करता है। ठीक है, देख सकते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताया गया है, इज इट ओके? यहाँ से आप देख सकते हो, बहुत सी बुक है, आप किसी भी बुक को फॉलो करो, सभी ICSE में। बस ये देखो कि सिलेबस फॉलो कर रहे हो कि नहीं। डिकम्पोजिशन किस किस कंपाउंड का है, अब आओ, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है बुक में दिया हुआ आपका। मेथड ऑफ नॉर्मल सॉल्ट रिलेवेंट क्वेश्चन, अच्छे से यहाँ लिखा है, डिटेल ऑफ एपरेटस और प्रोसीड्योर नॉट रिक्वायर्ड। ये कौन सा सेक्शन है? दिस इज एक्चुअली दिस सेक्शन, आप देख सकते हो इस सेक्शन में एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा प्रिपरेशन में आपका सब कुछ बताया कैसे हो रहा है, ये मुझे डिटेलिंग नहीं जानना है। एपरेटस क्या यूज़ हो रहा है, क्या उसका प्रोसेस है, मुझे जानना ही नहीं है। मुझे क्या जानना है कि स्पेसिफिक सॉल्ट, जैसे ये प्रिपेयर हो रहा है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट किस मेथड के थ्रू हो रहा है, सोडियम सल्फेट किस मेथड के थ्रू हो रहा है, आपको बस मेथड का नाम याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या मेथड है, देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात है, डिस्प्लेसमेंट, सबका एक एक एग्जांपल आप अपने पास लिख के रख लो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार MCQ में भी आता है, बहुत बार वन मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। विच इज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ये 2017 या 2018 में क्वेश्चन, 17 में क्वेश्चन आया है, Fe+Cl2 क्या रिएक्शन है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज कंसिडर इज वन ऑफ द टफ टॉपिक फॉर ICSE स्टूडेंट, इन लोगों का ऐसा थिंकिंग है, ये टफ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो रिएक्शन है उस चीज़ पे ध्यान रखना है। किस एलिमेंट से? कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक एंड लेड। इसके अलावा अगर कोई और भी एलिमेंट आपके बुक में दिया है तो वो सिलेबस में नहीं है। वो क्या कलर दे रहा है, किसमें इनसॉल्युबल है, कॉपर आपका एक्सेस में क्या शो करता है, सब एक्सेस में शो नहीं करता है, जो करता है उसके बारे में ध्यान देना। देखो आप सिलेबस में एकदम क्लीन लिख दिया है, एक्शन ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू कैल्शियम, आयरन, कॉपर, लेड, ड्रॉप बाई ड्रॉप इन एक्सेस, फॉर्मेशन एंड कलर ऑफ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड टू बी हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। यहाँ से 5 मार्क्स का इक्वेशन आता ही है मिला के सेक्शन 1 और 2 में। तो ये चैप्टर को अच्छे से आप ध्यान दो, क्योंकि यही एक चैप्टर जो 80 लाने से लोगों को रोकता है। तो ये इजी है, अगर आप इस इक्वेशन को 3 बार अगर लिख लेते हो तो ये आपका परमानेंट आपके ब्रेन में चला जाएगा। जो मेरे स्टूडेंट उनको मालूम है कि मैंने क्लासेस में कितने टाइम्स लिखाया है, 3 टाइम्स करके मैंने कम से कम क्लासेस में 5 डिफरेंट टाइमिंग में लिखाया है। ठीक है, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन सर्टेन मेटल्स, ठीक है, वो सर्टेन मेटल क्या है, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड दे दिया है, एकदम क्लीनली दे दिया है कि एल्युमिनियम, जिंक और लेड का बस पढ़ना है एलिमेंट का लेके। क्लियर है, अब आते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में स्टॉइकोमेट्री इज एक्चुअली अ न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड। ठीक है, मैं मोल कंसेप्ट का वीडियो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अच्छे से उसको देख लेना। ठीक है, गे लुसक्स पे ध्यान देना, सम्स को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन यूजिंग फॉर्मेशन ऑफ HCl, अमोनिया एंड NO, वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी का डेरिवेशन भी बुक में दिया हुआ है, मगर यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है फॉर्मल प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। हम लोगों को क्या समझना है कि मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कैसे प्रूफ है ये मुझे नहीं जानना है। इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ईयर फ्रॉम ICSE, इसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, मोल एंड इट्स रिलेशन सब सिलेबस देखते हुए काम करो, फुल मार्क्स आएगा। ठीक है,
इलेक्ट्रोलिसिस में देखो बहुत एग्जाम्पल डेफिनेशन एग्जाम्पल लिखा है, सभी कुछ है, मगर जो इस पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड का एनोड में क्या होता है? सिल्वरी ग्रे फॉर्म होता है सिल्वर का, ठीक है। ब्रोमीन आपका रेडिश ब्राउन वेपर देता है, ये सब पे क्वेश्चन आता है। एसिडुलेटेड वाटर जो है वो किस रेशियो में फॉर्म होता है? 2:1। एक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस में भी यूज होगा एंड दिस विल बी यूज इन मेटलर्जी ऑल्सो। समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोगों का क्या सिलेबस में? ओनली निकल एंड सिल्वर। अगर आप को टफ लग रहा है तो एटलीस्ट निकल एंड सिल्वर का आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके रखो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा जाता है। देखो आईसीएससी में याद रखो क्वेश्चन सब्जेक्टिव, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पर, ज़्यादातर 1 मार्क्स को डिवाइड करके, जैसे मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन बी में, तो उसमें पूरा 10 का एक क्वेश्चन नहीं होगा, 1 मार्क्स का होगा, उसमें 2 होगा, कुछ 3 होगा, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ पर पूछते हैं, ठीक है। आप पेपर भी देख सकते हो लास्ट फ्यू ईयर्स का जो आपका दिया है, लास्ट ईयर का भी पेपर मैं आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, आप सैंपल पेपर के ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सब टफ नहीं है, देखो ये लास्ट ईयर का पेपर मेरे पास है, देखो कितना सिंपल, सॉल्यूशन विच डो नॉट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप 3 बार रिएक्शन लिख के रखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्ट नहीं करता, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक का मैंने वीडियो 3 पार्ट में बनाया है, अगर आप मेरा ऑर्गेनिक का वो वीडियो कर लेते हो तो उसमें से 1 मार्क्स भी आपका बाहर नहीं आएगा, बिकॉज वो पूरा सिलेबस ओरिएंटेशन मैंने लास्ट ईयर ही अपलोड किया था 2018 सिलेबस बोल के, वो सेम सिलेबस 2019 में भी है। अगर आप उस वीडियो को कर लोगे तो यहाँ जो 17-20 मार्क्स के बीच का ऑर्गेनिक आ रहा है वो आप आराम से अटेंड करोगे, बस उस वीडियो को अच्छे से देखोगे और स्टॉप करके उसको कॉपी करना, ठीक है। ये सब देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किस तरह आता है एमसीक्यू एकदम सिंपल वे में। देखो इलेक्ट्रोलिसिस एसिडिफाइड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ, आप देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, 1 वर्ड क्वेश्चन, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड नेगेटिवली चार्ज एटम हम लोग टू फॉर्म एन, हम लोग को मालूम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अगर आप डेफिनेशन याद करके रखे तो यहाँ पर क्या करना है उसको 1 वर्ड में देना है। सर क्वेश्चन टफ नहीं है, अच्छे से करोगे, जब पेपर मिलेगा 15 मिनट उसको अच्छे से देखोगे, पेपर 2 घंटे का आपका है, मगर अगर आप सही से उसको करोगे तो 1.5 घंटे में आप आराम से कर सकते हो, मगर फिर भी आप पूरा टाइम लो। ये सब क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें ज़्यादा पूरा मत लिखो, जैसे अगर आंसर 1 का ए है तो आप सीधा इसमें क्वेश्चन 1 इस तरह 1 उसके बाद यहाँ पे ए लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप इतना टाइम ये सब में लूज मत करो, यहाँ पे सिर्फ इसका नंबरिंग कर दो किस तरह से है, ठीक है, क्लियर। आप सैंपल पेपर भी देख सकते हो, 2019 का सैंपल पेपर सॉल्व करना मत भूलना प्लीज, क्योंकि यहाँ से बहुत बार टाइप्स कॉमन मिल जाता है, क्वेश्चन भी कॉमन मिल जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, इसको ज़रूर सॉल्व करना। मैं सैम्पल पेपर का भी वहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट से भी कर सकते हो, ठीक है। अब वापस हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग आते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी का फंडामेंटल क्या है, मिनरल एंड ओर का मीनिंग क्या है, कॉमन ओर हम लोग को सिर्फ जानना है आयरन एल्यूमिनियम एंड जिंक, बहुत वहाँ पे दिया है, सबका नहीं, सिर्फ आयरन का याद कर लो, कौन सा कॉमन ओर है एक एल्यूमिनियम का याद कर लो, जिंक का याद कर लो, ठीक है। ड्रेसिंग ऑफ ओर में हाइड्रोलाइटिक मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्लोट प्लोटेशन, और भी बहुत दिया है मगर हम लोगों को सिर्फ ये 3 जानना है, ओनली दिस 3। कन्वर्जन ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो CBSE हो ICSE हो, ठीक है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्या है, डेफिनेशन एग्जाम्पल इक्वेशंस, किस तरह से क्या क्या एक्टिविटी सीरीज के थ्रू पढ़ना है आपका। एक्सट्रैक्शन में हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ क्या है, एल्यूमिनियम है, एक बेयर्स प्रोसेस के थ्रू, एक हॉल हेरॉड्स प्रोसेस के थ्रू है, जो हम लोगों को समझना है, ठीक है। अलॉयज में हम लोगों को किस किस अलॉय के बारे में जानना है, ओनली स्टेनलेस स्टील, ड्यूरल ड्यूरामिन, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड फ्यूज मेटल या सोल्डर, इसके अलावा हम लोगों को और अलॉय के कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं जानना है, यहाँ पर कॉम्पोजिशन भी नहीं पूछते। आप देखिएगा पूछेंगे कौन सा एल्यूमिनियम है किस अलॉय में, किस अलॉय में जिंक है, किस अलॉय में आयरन है, ठीक है। अब आओ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कंपाउंड इज कंसिडर एज वन ऑफ द टफ टॉपिक, सो मैं सोच रहा हूँ कि इस बीच में जो आपका गैपिंग है उसमें मैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किस तरह से पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा सा लेंदी बनेगा, हो सकता है एक एक वीडियो आपका 45 मिनट्स या 1 आवर्स का हो, मैं ये पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे पढ़ना है,
मगर जो पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं प्लीज़ सिलेबस देख के पढ़ो, प्लीज़ सिलेबस से बाहर कुछ भी मत करो। अगर आपको फुल मार्क्स लाना है केमिस्ट्री में, आप बहुत इजी वे में फुल मार्क्स ला सकते हो। अब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लोगों को बहुत टफ लगता है, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया। आप देखोगे हम एक एक पॉइंट सिलेबस का लेके, एक एक पॉइंट मैंने सिलेबस का लेके वीडियो बनाया, एक एक पॉइंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जब तक आप ऑर्गेनिक सॉल्व करना शुरू करो, उसके बाद मैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक मैं वहाँ पर दे रहा हूँ आपको, केमिकल बॉन्डिंग दे रहा हूँ, ये सब चैप्टर्स आप पूरा कंप्लीट कर लो अच्छे से। एंड प्लीज़ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप सिलेबस देख के पढ़ना शुरू करो, फुल मार्क्स आएगा। 20 मार्क्स तो आपका वहाँ पर इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क्स का है, बाकी का 80 मार्क्स जो यहाँ पे है आप आराम से स्कोर्स कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो और पढ़ाई शुरू करो। आप इतना सोच रहे हो कि अभी गैपिंग है थोड़ा रिलैक्स कर ले, मत करो, इट्स अ लाइफ टाइम थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए ये मार्क्स, ठीक है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का मार्क्स ऐड होकर आपको मिलेगा, अच्छे से करने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक एकदम नहीं, ऑर्गेनिक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ वीडियो में बात किया है, आप देख लो, एक वर्ड भी वहाँ पर बाहर नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से करते हो सब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लोगे मेरा करने के बाद। आप वीडियो उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके अलावा लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आया है वो सॉल्व कर लो, ठीक है। कोई भी क्वेरीज है आप मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज माई नंबर, ठीक है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। सो अब हम लोग मिलते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के साथ, हम लोग उसके में बात करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं किस तरह से करना है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। वी हैव टू स्कोर 80 out of 80, हम लोग 80 के नीचे सोचेंगे ही नहीं। हम लोग जिस तरह से अभी भी इतना बड़ा ये गैप मिला है जहां पर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर आप साल भर अभी नहीं भी पढ़े हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, यू आर गेटिंग सो मच टाइम। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।